एक लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी पार्टी बनाकर जनप्रतिनिधि बनकर लोगों की सेवा करे। समय समय पर देखा जाता रहा है कि अलग अलग पार्टियां चुनाव मैदान में उतरती हैं और लोकतंत्र के इस त्योहार में प्रतिभाग करती हैं। वैसे ही एक पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करने के लिए एक संगठन शुरू किया था जिसका नाम है निषाद दल, जिसका अर्थ है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। आपको बता दें, यह भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है जो आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी अपनी जगह बनाने के लिए उतर चुका है। इस संगठन की शुरुआत डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने की थी, जो आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड गिरीश चैतन्य यादव द्वारा सुनील छाबड़ा को प्रदेश महासचिव बनाया गया है। आगामी दिनों में चंपावत में होने जा रहे उपचुनाव में अपने संगठन के माध्यम से सहयोग करने निषाद पार्टी उत्तराखंड के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सीएम धामी के पास चंपावत रवाना हो रहे हैं। कितना कारगर होगा सीएम धामी के चुनाव में सहयोगी दल का प्रचार, देखिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से मानिक गुप्ता की खास रिपोर्ट। सर, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव में लगातार कुछ न कुछ नई नई हमें प्रक्रिया देखने को मिलती रहती है, उसी तरीके से इस बार उत्तराखंड में एक पार्टी अपनी जगह बनाती नजर आ रही है जिसका नाम है निषाद पार्टी। उसी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष आज हमारे साथ काशीपुर में मौजूद है, जिनसे हम वार्ता करेंगे। तो चलिए जानते हैं उनसे। सर, जैसे कि आप यहां पर उत्तराखंड में आज काशीपुर में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप, आपका आने का मुख्य कारण क्या है? हमें घर घर तक डॉक्टर संजय कुमार निषाद को नाम को पहुंचाना है। डॉक्टर संजय कुमार निषाद एक ऐसा नाम है, बेजुबानी की जुबान है, वो गरीबों के ऐसे एक ऐसे मसीहा हैं, गरीबों की हर समस्या को लेकर के वो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमें पार्टी को मजबूत करना है और एक अपना परिवार बड़ा करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी उपचुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ाने के लिए अपने संघ साथियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ चंपावत जा रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ आना हुआ और यहाँ के संभ्रांत लोगों ने पार्टी में आस्था दिखाई है। मैं आशा करता हूँ जिन लोगों की घोषणा हुई है कि वो दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़कर हमारे समाज को, हमारी पार्टी को लाभ पहुँचाएं। जैसे कि आपने कहा कि आज आप चंपावत निकल रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ाने के लिए, तो क्या है आपकी कार्यप्रणाली, किस तरीके से आपकी पार्टी काम करती है, क्या वो मतलब एनडीए के साथ अलायंस है, यूपीए के, मतलब किस तरीके से उनका कार्यप्रणाली क्या है? हम एनडीए के घटक दल हैं और घटक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी हमारी बड़ी भाई है, हम छोटे भाई हैं। तो जिस तरह से जब सतयुग में राम राज्य आया था तो सबसे पहले भगवान राम ने निषाद राज को ही गले लगाया था और उन्हें अपनी कैबिनेट में जगह दी थी। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद को अपनी कैबिनेट में रखा है। सतयुग आने वाला है, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, हम दोनों मिलकर के पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक बहुत बड़ी राजनीति को नई दिशा देने के लिए कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमारी पार्टी उत्तराखंड में एक वजूद के रूप में खड़ी हो। जैसे कि आज इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर पूरे उत्तराखंड का महासचिव बनाया गया है सुनील छाबड़ा जी को, उनसे भी हम वार्ता करेंगे कि आगे वो क्या अपनी कार्यप्रणाली यहाँ पर रखने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कार्यप्रणाली रहेगी आपकी आगे? जो इन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है हमारे अध्यक्ष जी ने और जो डॉक्टर संजय निषाद जी ने, मैं पूरी लगन से उस पर काम करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़कर और जो हमारे निर्बल लोग हैं उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।